देखा है कि हमारे डिस्काउंट रेट्स नीचे आए हैं, हमारी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ना शुरू हो गई हैं और हमारी डोमेस्टिक भी जो है मैन्युफैक्चरिंग में भी उससे फर्क पड़ा है, क्योंकि 16-17% पे नई इंडस्ट्रीज आप लगाने का सोच ही नहीं सकते थे। तो ये बड़ी पॉजिटिव चीज है, मगर इसके अंदर अभी हमें तवज्जो देने की जरूरत है और खास तौर के ऊपर एक्सपोर्ट्स जो है इसके ऊपर हम तवज्जो दें, क्योंकि इस वक्त बहुत अच्छा मौका है चाइना की वजह से। और आप यकीन करें कि हम चाइना की जो मार्केट जो सफर हो रही है वो हम अचीव कर सकते हैं, मगर अभी भी देखिए अगर हम 24 या 25 पे भी चले जाते हैं तो इट इज नथिंग कंपेयर टू व्हाट बांग्लादेश इज एक्सपोर्टिंग विच इज 45 बिलियन। बिल्कुल, बहुत ही पॉइंट इंपॉर्टेंट था। मैं इन तीनों के सवाल आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ। ये तीनों इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि जो रिमिटेंसेज हैं इट्स अ वन ऑफ इम्पैक्ट, जो कि अभी ये क्राइसिस खत्म होगा तो फिर नॉर्मलाइज होगा तो पता लगेगा, उसकी वजह से आपका करंट अकाउंट बेहतर हुआ। दूसरी जानब वो कह रहे हैं कि एक्सचेंज रेट हो सकता है दोबारा से रीस्टेबलाइज हो। व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? देखिए, मैं ये समझता हूं कि वी हैव अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। पहली चीज है, अगर आपके मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी है, फाइनेंशियल पॉलिटिकल और अमन है, सबसे ज्यादा जरूरी चीज अमन है, तो आपके मुल्क से ये जो हमारे इन्वेस्टर्स भाई हैं जिनका जिक्र शब्बर जैदी बड़े जौक शौक से आजकल कर रहे हैं, जिन्होंने 100 बिलियन डॉलर मुल्क से बाहर रखा हुआ है, जो उन्होंने अंडर ओवर इन्वॉइसिंग करके वहां पार्क किए हैं, वो पैसा वापस मुल्क की तरफ आएगा, इससे कि ये लोग रहते यहां हैं और अगर यहां उनको बेहतर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, और तो मुझे कोई वजह नजर नहीं आती कि ये लोग सब मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं और इनको इस बात का एहसास होगा और ये आके इस मुल्क में सरमायाकारी करेंगे, तो ये रिमिटेंसेस बढ़ेंगी घटेंगी नहीं। ठीक है, इससे कि ये फैक्टर इन्होंने लिया नहीं, जो पैसे पॉलिसी मेजर्स ऐसे रहेंगे कि जो रिमिटेंसेस बरकरार रहेंगी, इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? जी, मैं ये कह रहा हूं ना, जैसे फॉर एग्जांपल जस्ट लुक एट वन सेगमेंट जिसके अंदर आजकल बड़े जोर से प्रमोशन हो रही है, वो रियल स्टेट का है, उसको एक्सटेंशन भी दे दिए गए हैं। वो उनको अब ये भी नहीं बताने की जरूरत होगी कि बाकी पैसे कैसे लेके गए थे, अब वो ले आए इन्वेस्ट कर दें, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। और रियल स्टेट पाकिस्तान में आपको पता है शॉर्टेज ऑफ हाउसिंग जो है इस वक्त जो है वो तकरीबन 12 मिलियन हाउसिंग यूनिट्स की फोरकास्ट की जा सकती है, स्टैटिस्टिशियन आपके साथ बैठे में, और वो भी उस पर ऑक्यूपेंसी रेट के लिहाज से जिसमें हम 6 लोग ठीक ले रहे हैं। इस वक्त मुल्क के अंदर 7 लोगों का वैसे एवरेज चल रहा है थ्रू आउट द कंट्री पर हाउस। फिर इसके अंदर फर्स्ट टाइम ये अपॉर्चुनिटी आ रही है कि रूरल एरिया के लोग जो है अपनी हाउसिंग खुद डेवलप कर सकते हैं, बिकॉज इंटरेस्ट रेट 30 लाख से कम के लोन का 5% पे ले आया गया, विच इज गोइंग टू ओपन अप अ ह्यूज मार्केट बिल्डिंग इंडस्ट्री के मटेरियल्स का, और यहाँ वो इंडस्ट्री काम में आती है। आप अभी देखिए, आज अखबार में इश्तेहार दिया इश्तियाक साहब की फील्ड वालों ने, एप्रा ने, कि 40 लाख नई नौकरियां क्रिएट होंगी विद द पॉलिसीज। तो जब इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी सस्टेनेबल होती है तो टैक्स कलेक्शन भी बेहतर होता है और उसके लिहाज से डिफिसिट वगैरह कम होते हैं। देखिए, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जिन जिन चीजों का जिक्र नहीं किया गया उसमें कुछ बड़े इंटरेस्टिंग फैक्टर्स नजर आ रहे हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्टर ये नजर आया कि पाकिस्तान में मोटरसाइकिल जितनी पिछले 3 माह में बनी है और हर माह बढ़ रही है, पाकिस्तान की तारीख में कभी इतनी नहीं बढ़ी। इसी तरह ऑटोमोबाइल सेक्टर भी बढ़ा, और इसी तरह से जो लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक्स हैं जिसमें डीप फ्रीजर्स हैं, टेलीविजन हैं, इन दोनों की बेतहाशा मकदार बढ़ रही है। इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये तो नजर आ रहा है कि रूरल इकोनॉमी के अंदर वहां ग्रोथ आ रही है, वहां पैसे आ रहे हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि ये कुछ तकलीफें जरूर हुआ पूरे मुल्क के लिए कि आटे की कीमत बढ़ गई, चीनी की कीमत बढ़ी, लेकिन उसका फायदा जो रूरल इकोनॉमी में हुआ है कि उनकी बाइंग पावर बढ़ी है। और हमें इस चीज का बिल्कुल ख्याल रखना पड़ता है कि कुछ चीजें पाकिस्तान की ऐसी हैं कि जो इंटरनेशनल प्राइसेस से ड्रिवन है। ठीक है, फॉर एग्जांपल वीट आप कितनी भी प्रोड्यूस कर लें, जब तक आप अफगानिस्तान की नीड्स को और इंडिया के हमारे बॉर्डरिंग स्टेट्स की नीड को,
इंडिया की और अफगानिस्तान की प्राइसिंग मॉडल के ऊपर नहीं लाएंगे, तुम्हारे पास लोकल फार्मर जो है उसके पास ग्रेट इंसेंटिव टू सेंड इट अक्रॉस द बॉर्डर। ये सारी चीजें फीडबैक लेना चाहूंगा मैं। आई थिंक व्हाट एज आई हैव अंडरस्टूड कि इंडिकेटर्स तो हो सकता है बेहतर हो जाएं क्योंकि पॉलिसी इनिशिएटिव्स अपनी जगह मौजूद है। दूसरी जानब जो एक इंपॉर्टेंट अमर की तरफ इशारा किया कि लोग टैक्स नहीं देते। अभी हमारे प्रोग्राम में एक ताजिर तंजीम के रहनुमा थे, वो रिप्रेजेंटिंग 45 लाख ताजिर को रिप्रेजेंट कर रहे थे वहां पे। उनसे लाइव प्रोग्राम में मैंने सवाल पूछ लिया कि कितने लोग उन्होंने टैक्स फाइल किया है, तो वो घबरा गए। तो इवेंचुअली पता ही चला less than 1%। फिर कहा एमनेस्टी दीजिए, जब कहा कितने लोगों ने उनमें से एमनेस्टी दी है, तो उन्होंने कहा 0.05% ने अवेल की लास्ट टाइम, और सेम एमनेस्टी मांग रहे। तो ये इंडस्ट्रियलिस्ट और ताजिरों का भी बड़ा मसला है कि नेचर भी इशू है और सब चीजें हुकूमत पे तो डाल देते हैं लेकिन एक्चुअली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं पूरी करते। नईम साहब आप फिर इस चर्चा की थोड़ी सी हिस्ट्री में लेके जाऊंगा आपको। एक आराध ग्रुप था अब्दुल रहमान अब्दुल गनी, देवर वॉलमार्ट्स ऑफ इंडिया जी। तो ये ग्रुप ऐसा था कि प्री पार्टीशन इनकी हाथ की लिखी हुई रसीद को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चेक का दर्जा देता था। इन्हीं के बच्चे, इन्हीं की नस्ल में से कुछ लोग जो मर्चेंडाइजिंग में थे वो इंडस्ट्रियलिस्ट बने, फिर बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग हाउसेस बने। तो ये था 70 तक, नेशनलाइजेशन तक। तो उसके बाद रिवर्स ट्रेंड शुरू हुआ, जो बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग हाउसेस थे वो आहिस्ता आहिस्ता ट्रेडिंग में गए, फिर कुछ लोग अर्बन डेवलपमेंट में आ गए, रियल एस्टेट में आ गए, डाइवर्सिफाई करके रिटेल में आ गए। तो जो डेप्थ थी ना आपकी इकोनॉमी की वो कम हो गई। सही कि आपके पास लास्टिंग जॉब्स मैन्युफैक्चरिंग से आती है, इंडस्ट्री से आती है, सर्विसेज में खासतौर पे होलसेल रिटेल में ट्रांसपोर्ट में आपके पास लास्टिंग जॉब्स होना मुश्किल है। सही है, क्योंकि एवरेज लोगों की कैपेबिलिटी इतनी नहीं होती। अच्छा, देखिए मसला मेरा कम ये है कि जिनके पास लास्टिंग जॉब है, करोड़ों रुपया रखा हुआ है अकाउंट के अंदर, वो टैक्स फाइल नहीं करते। अभी तो जो लास्टिंग जॉब वाले हैं उन्हीं का इशू है। उसमें दो चीजें हैं, देखें, एक तो अब इसको हमें इंस्टीट्यूशनली एड्रेस करना पड़ेगा, क्रॉनिक मसला है, कोई फॉरन किसी के पास वो जादू की छड़ी नहीं कर दे। FDR पे इंडस्ट्रियलिस्ट का कॉन्फिडेंस बिजनेस हाउसेस का कम है, वो एक्सप्लॉयटेटिव भी हो जाते हैं, उनकी इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी भी कम है, ट्रांसपेरेंसी के इश्यूज भी कम है, ये सारे, और प्रोफेशनली भी बहरहाल उसमें तब्दीली हो सकती है, और इट इज नॉट पिक्यूलर टू वन गवर्नमेंट। ये इसको एड्रेस करना पड़ेगा, ट्रस्ट को रिस्टोर करना पड़ेगा, ओनली देन यू कैन एक्सपेक्ट के आपके पास ये फॉर्मलाइजेशन बढ़ेगी। बिल्कुल। अच्छा, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट है, ऐसा आपको इंक्लूड करूंगा, फिर अदीसा आपसे भी फीडबैक लूंगा इस पे। भी मैं आपको बताता हूँ, हमने जो काठी के प्रेसिडेंट से सवाल पूछा, काठी के प्रेसिडेंट ने यही आर्ग्यूमेंट बिल्ड किया कि बिजनेसमैन का ट्रस्ट नहीं है FDR के ऊपर, इसलिए एमनेस्टी फाइल नहीं करते। तो मैंने उनसे लाइव प्रोग्राम में पूछ लिया कि आप मुझे बता दें कि जो लास्ट एमनेस्टी आपने फाइल आई थी उसमें से आपकी पूरी रिप्रेजेंटेटिव बॉडी में से किसी एक इंडस्ट्रियलिस्ट ने कंप्लेन फाइल की काठी के अंदर कि हमने एमनेस्टी फाइल की, उसके बाद हमें FDR की कॉल आई और हमें दोबारा कोई हिरासा किया गया। वो उन्होंने कहा नहीं आई, तो सब शोर का खामोश। तो ये ट्रस्ट वाला इशू भी अब अंदर से बाहर जाएगा, बाहर से अंदर आना मुश्किल है। जी साहब, वाकिर साहब आप भी कुछ नाराज लगते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट से। शमीम साहब ने कह दिया कि जी इंडस्ट्रियलिस्ट ने 100 अरब रखे हैं, इससे पहले इन्हीं के एक मिनिस्टर ने एक फिगर दी थी 200 अरब जो है हमारे बाहर है। और अब क्या हुआ कि अभी अभी हम ये पैसे लाने के उसके अंदर आपको मालूम होगा कि ये कौन सी यूके की जो शील्ड कंपनी थी उसको आपको पता है कि 6-8 अरब हमें उसको डैमेजेस देने पड़ गए, आया कुछ नहीं और बल्कि और हमारा निकल गया। मेरे ख्याल से हम इससे एक कदम आगे बढ़ते हैं। देखिए पहली बात यह है कि जैसे आपने अभी बतलाया, शमीम साहब ने भी, कंज्यूमर फाइनेंसिंग जब अच्छी होती है तो ये तमाम चीजें बिकती हैं। इट्स नथिंग टू डू विद कि हमारी इनकम ज्यादा हो गई है, 16% था, बिल्कुल मोटरसाइकिल बनना भी बंद हो गई थी, फ्रिज भी कोई नहीं ले रहा था, वॉशिंग मशीन भी 6-7% पे आ गए। तो कंज्यूमर, क्योंकि जो गरीब लोग हैं दे डोंट हैव के सरप्लस के पैसे जाके ये ले लें, इनका एक अपना सिस्टम होता है। मोटरसाइकिल की मार्केट में जाएं वो एक आदमी बोलेगा जी आपको इतना पे करना पड़ेगा पर मंथ, फाइनेंशियल इंक्लूजन बहुत बड़ी है। तो ये जो अच्छी चीज हुई है जो मैंने एडमिट की है वो ये एक चीज जो है वो बहुत अच्छी हुई है। दूसरी बात ये हो रही है कि ये कहना, देखिए रिमिटेंसेज जो है इट्स नथिंग टू डू विद अवर एक्सपोर्ट, बिल्कुल सही, कोई ताल्लुक नहीं है। रिमिटेंसेज इज प्योरली जो लोग मुल्क से बाहर काम कर रहे हैं वो अपना पैसा भेज रहे हैं। तो ये कह देना कि इंडस्ट्रीज़ जो है वो अपना पैसा बाहर पार्क कर रहा है वो एक्सपोर्ट्स के अंदर हमारा आता है। और एक्सपोर्ट्स जो हो रही है इट्स नॉट डेट कि लोग अब पार्क नहीं कर रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं
कि जो एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं, 7% हमारी एक्सपोर्ट्स जो है बढ़ गई। दूसरी चीज क्या, आप बड़ी किसके अंदर है हमारी इस वक्त, देखिए जी टावल इंडस्ट्रीज फ्लोरिश कर रही है क्योंकि कोविड की वजह से हर हॉस्पिटल को टावल चाहिए, होम टेक्सटाइल चाहिए, हर मतलब हॉस्पिटल को बेडशीट चाहिए, टॉवल्स चाहिए, ये चाहिए, ये तमाम चीजें जो हैं एक तरफ बढ़ी हैं। लग्जरियस आइटम जो हैं वो थोड़े से कम हो गए हैं क्योंकि कोविड की वजह से अब लोगों ने, मैं जो हूं कोई बहुत महंगा सूट नहीं खरीदूंगा बल्कि ये जो चीजें लूंगा। तो लेकिन दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान से देयर वाज अ टाइम जो बहुत पैसा बाहर गया, यूएई गया 6-7 बिलियन, मगर ये कब गया बाकर साहब, ये उस वक्त गया जब कराची के हालात इतने ज्यादा खराब थे कि सब मेहमान फैमिलियों ने अपनी फैमिलियों को उठा के बाहर भेज दिया था। बट थैंक गॉड क्या हालात सही हो गए, तो क्यों आदमी मुल्क से बाहर जाएगा या अपनी फैमिली को करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह वो फेस जो था जो बहुत, जब रोजाना बोरी बंद लाशें मिलती थी वो हमारी खत्म हो गई। अजीज साहब से भी थोड़ा फीडबैक लूंगा, देखिए इनका एक आर्गुमेंट करेक्ट है क्योंकि टैक्स के ऊपर अभी भी हम देख रहे हैं कि कोई कंक्लूसिव रिस्पॉन्स नहीं आ रहा कि जब तक आप टैक्स देने को तैयार नहीं होंगे और छोटे ताजर नहीं तैयार होंगे, आप तो माशाल्लाह बहुत डॉक्यूमेंटेड एसोसिएशन है और आप टैक्स देते भी हैं, तो रेंट सीकिंग का बिहेवियर चलता रहेगा। छोटे ताजर पैसे घुमाते रहेंगे और ये शमीम साहब ये आर्ग्यूमेंट उठाते रहेंगे और शब्बा साहब को आगे रख के। देखिए मैं फिर बड़े मेरे लिए रिस्पेक्टेबल हैं शमीम साहब, मैं उनको उनकी बात का एक सिंपल जवाब देता हूं कि किसी को गिल्टी करार देना भी ठीक नहीं है ना, एवरीबडी इज इनोसेंट अंटिल ही प्रूव्स गिल्टी। तो जो शब्बर जैदी साहब कह रहे हैं उसका जवाब उन्हीं को दे देते हैं कि जी ताली एक हाथ से नहीं दोनों हाथों से बजती है, ना दूसरा हाथ ताली की तरफ आगे बढ़े तो पहला हाथ। तो देखिए वी आर बिजनेसमैन, वी आर हियर टू डू बिजनेस, और हर बिजनेसमैन की गुंजाइश ये है कि वो अपना जहां से ज्यादा मुनाफा मिलेगा वो वहां रहेगा। हाँ, बाकी पेट्रियोटिज्म वो एक अलग चीज है, हम एज अ पेट्रियोटिज्म अगर देखते हैं यहाँ पे तो अपना सारा कारोबार यहाँ लगा रहे हैं। मैं एक प्योरली पाकिस्तान का ब्रांड हूँ, मैं एक प्योरली पाकिस्तान में काम कर रहा हूँ, मैं कोई आगे पीछे किधर कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि किन बेस के ऊपर हमारी सोचें कहाँ जाती हैं, जब आपकी स्विगी गैस बंद हो जाती है, ऑर्डर्स पीक के ऊपर है, हमारी फैक्ट्रीज अप्रैल तक बुक्ड है ऑर्डर्स को पूरा करने के लिए, लेकिन ऑल ऑफ सडन पता चलता है जी स्विगी गैस का लेटर आ गया है, नोटिफिकेशन हो गया कि जी आपकी फैक्ट्री बंद हो गई है। कैप्टिव पावर के ऊपर हम चला रहे हैं, इलेक्ट्रिक हमारे पास है नहीं, कम से कम हुकूमत का काम बनता था कि हमसे बैठ जाती, पूछ लेती, सजेशन ले लेती कि भाई किसको बंद करना है किसको नहीं बंद करना। सेकेंडली देखें फिर मैं वही बात करता हूं आपको कि एफबीआर के ऊपर ट्रस्ट जो है ना वो सालों से बिगड़ा हुआ है, कोई आज से नहीं बिगड़ा हुआ। आपको इतना हेल्दी इन्वायरमेंट उनको देना है जिससे लोग आए। देखिए कितनी आप लोगों ने फेवर करवाई, सब कुछ किया, एक चीज शब्बर जैदी साहब ने कहा जी एनआईसी को एनटीएन कंसीडर कर लें, क्यों नहीं कर सक रहे हैं वो अब तक हम। सेकंड ये कि आप जब कहा कि जी 50,000 से 1,00,000 रुपए तक की जो आपकी वो गुंजाइश है, आप मतलब जो रिटेल सेक्टर को आप वो करें ना, क्यों नहीं इम्प्लीमेंट कर पा रहे, ब्यूरोक्रेसी तंग कर रही है या कौन तंग कर रहा है वी डोंट नो, लेकिन ये वो फैक्टर्स है जिससे आप अपने आप को मॉनिटर कर सकते हैं। आपका रिस्पॉन्स यही क्वेश्चन है बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये कह रहे हैं। लेट मी कम्प्लीट ना। थर्डली सर जो मेन आपका मामला बनता है, आप इसको देखें कि एफबीआर के अंदर पहले हमारे पास बोर्ड मेंबर्स के अंदर हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट मौजूद होता था या कोई हमारी ट्रेड बॉडी में बंदा होता था, आज किधर है वो बोर्ड्स जहां पे हमारा कोई रिप्रेजेंटेशन वहां पे मौजूद हो जो हमसे मशावरत के साथ वो बोर्ड बने हुए हो, मशावरत के साथ पॉलिसीज बने, तो वो सब हम एक पेज पे होंगे। शमीम साहब से पूछ लेता हूं, शमीम साहब देखिए बहुत ही अहम पॉइंट है ये कह रहे हैं शब्बर साहब का आर्गुमेंट वापस आपके पास लेके जा रहा हूं। उन्होंने कुछ की रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की थी जिसमें वो नाकाम हुए और देन वी गॉट प्रोबेबली लाइक वेरी फ्रस्ट्रेटेड एंड ही हैड टू लीव। वो रिफॉर्म्स अभी तक नहीं आई हैं, उसी प्रोग्राम का जिसका आप हवाला दे रहे हैं उसी प्रोग्राम में उन्होंने ये कहा है कि 3-4 करोड़ अगर हैं आप तो अभी भी आप बैंकिंग सिस्टम में विदाउट एनटीएन घुमा सकते हैं। तो उसी प्रोग्राम का हवाला देते हुए ये भी ये बात कह रहे हैं कि आप क्यों नहीं इंक्लूड करते, अगर एनआईसी से लिंक करना है करिए, लाइए उनको कैरेट एंड स्टिक फॉर्मूले के थ्रू। बात सारी ये है कि नेशनल कॉम हमारा टैक्स देने का मिजाज नहीं है, ये क्यों नहीं है मैं आपको साबित भी कर सकता हूं। सर्विस सेक्टर का एक बहुत बड़ा अंसर जो है वो कंस्ट्रक्शन है, और कंस्ट्रक्शन का चाहे वो कॉन्ट्रैक्टिंग हो और चाहे वो बिल्डर हजरात हो, ये ज्यादा दूर की बात नहीं है और आज भी ये बात दुरुस्त है, किसी हद तक कुछ कम हो गया कि 80% जमीन की कीमत जो है वो ब्लैक में दी जाती है। आज आपके शुरका में से कम
तीन समेत मेरे डिफेंस के अंदर कुछ ना कुछ प्लॉट्स लेते हैं और ट्रेडिंग करते हैं, आपको हटा दिया ना, मैं तीन की बात की है अपनी इधर और उनकी तीन की, मैंने आपको मैं गवर्नमेंट इनका होगा लेकिन मैं कम से कम तीन, मैंने कम से कम तीन का बाकी आ जाए जब तरक्की करूं। कह दें अगर मैं ये बात गलत कह रहा हूं कि वो पैसा किधर से आया, उसके ऊपर टैक्स रेट कितना लो कर दिया है। तीन साल तक ओनरशिप रखो तो जीरो कैपिटल गेन्स टैक्स है, बट सोर्स ऑफ इनकम डिक्लेयर करने के लिए डॉलर आते हैं बाहर से, हमने डॉलराइजेशन ऑफ इकोनॉमी जो किया है उससे कितना नुकसान पहुंचा है, ये अब तारीख का फैसला आना चाहिए। इससे कि आपने एक टैक्स एमनेस्टी दी हुई है फॉर ऑल इनकम्स कमिंग ऑल सोर्सेज कमिंग फ्रॉम अब्रॉड, और वो घुमाना कि कॉस्ट जो है वो एक जमाने में और अभी भी मैं तो नहीं लेकिन मैं समझता हूँ इस वक्त भी 1.5-2% से ज्यादा कॉस्ट नहीं है, और जबकि टैक्सेशन रेट 30% है। तो जब जिस मुल्क के अंदर पैसे घुमाने की कॉस्ट इतनी हो तो और इतने समझदार लोग मौजूद हों जो इस मेज के और पूरे पाकिस्तान में, वो कहते हैं मैनेज कर लेंगे। फिर मैं आपको बताऊं, मैं क्योंकि मैं दोनों तरफ रहा हूं, आई डोंट नो वेदर यू नो माय बैकग्राउंड और नॉट, मैं रिटेल लाने वाला मैक्रो मेट्रो में मेरा नाम है जी, ठीक है ना, सो रिटेल को आई अंडरस्टैंड वेरी वेल। कितनी ज्यादा हमें तकलीफ है जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है कि बाहर की बेकरी के ऊपर कोई सेल्स टैक्स नहीं है, ऑर्गेनाइज सेक्टर वाली बेकरी पे टैक्स है। हाउ डज द ऑर्गेनाइज सेक्टर वर्क, डिस्पैरिटी इन पॉलिसीज है। फिर एफबीआर का मसला क्या है, एफबीआर कोई आपके ख्याल से फरिश्तों का इदारा है? हमें शब्बर जैदी साहब की जो मैं समझता हूं मेरे लिहाज से सबसे बड़ी नाकामी है कि उन्होंने एक टीम नहीं क्रिएट कर सके और उन्होंने सब कुछ खुद करने की कोशिश की। अगर वो 200-250 लोगों को रिक्रूट कर लेते जो कि प्रोफेशनल्स होते हैं, लेकिन वहां भी सरकार के जो रूल्स हैं रिक्रूटमेंट के वो आ रहे हैं। वो भी तो इंटरनल पॉलिटिक्स का शिकार हुए हैं। मतलब मैं आपसे देखिए एक जिसमें कोई शक की बात नहीं है, आप कौन से सेगमेंट्स को हम आइडेंटिफाई अगर करें, लार्ज में जिस जो टैक्स बिल्कुल नहीं देते या बहुत थोड़ा देते हैं, रिटेल सेक्टर, ट्रांसपोर्ट सेक्टर, 60% ऑफ इकोनॉमी, ठीक है, ये दो सेक्टर्स ले लीजिए। इनकम मार्जिन जो है, अगर आप किसी ट्रक ओनर से पूछे ना, वो अपनी कैपिटल कॉस्ट 2-3 साल में रिकवर कर लेते, बिल्कुल सही, 2-3 ईयर्स एंड लुक एट द ग्रोथ फैक्टर, और उनमें से पूछे टैक्स कितना नहीं दिया। अच्छा फिर आप इनकी रिप्रेजेंटेशन देखें, इन सारे एग्रीकल्चर सारी इनकम फ्री है। ये जो बड़ा मसला है ना कि हम सोर्स ऑफ इनकम को नहीं टैक्स कर रहे हैं, हम इनकम को टैक्स कर रहे हैं, ये प्रिंसिपल जब तक इस मुल्क में रिकॉग्नाइज नहीं होगा कि इट डजंट मेक अ डिफरेंस कि आपने वो पैसे कहां से कमाए, जब आपने थ्रेशोल्ड से ऊपर से कमाए। मैं बात थोड़ी मायूब है लेकिन मैं कहता हूं इवन दोज हु आर इन इलिसिट ट्रेड एज लॉन्ग एज दे अर्न वो 4 लाख की थ्रेशोल्ड से ऊपर, उनको भी टैक्स देना है। आपकी पूरी सर्विस इंडस्ट्री, ब्यूटी पार्लर्स, ठीक है, आपकी फिगर शब्बर जैदी साहब ने दी जितने आपकी बुटीक्स हैं। पर शमीम साहब आप उसके बाद उसको क्यों नहीं ला पाए, द क्वेश्चन इज बिकॉज ही इज मेकिंग द सेम आर्ग्यूमेंट। मैं आपको यही तो कह रहा हूं ना, देयर इज नो टीम अप टिल नाउ इन एफबीआर दैट कैन एग्जीक्यूट द पॉलिसी दैट ही वाज एडवोकेटिंग, आर यू सेइंग दैट? मैं जो बात कह रहा हूं कि देखिए 2-3 चीजें हैं दुनिया में। पहले इस प्रिंसिपल को रिकॉग्नाइज कर लिया जाए, कोई आदमी शौक से टैक्स नहीं देता, ठीक है। ये जो कहते हैं ना कि ताली दो हाथ से बचती, नहीं, गलत कहते हैं, ताली टैक्स के मामले में खौफ से बचती है। जब उन्हें पता है कि कॉन्सिक्वेंसेज विल बी वर्स, देन इफ दे पे द टैक्स, डोंट पे द टैक्सेस एंड इफ दे आर कॉट, तो सिवियरिटी ऑफ पनिशमेंट विल बी सच कि जिसके साथ थोड़ा सा ओपन करूंगा पहले आप, फिर आपका कुछ फीडबैक। जिस तरह की हम गुफ्तगू कर रहे हैं ऐसा लग रहा है आपको मैं फिगर बतला रहा हूं और आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता। नवंबर तक इस साल 1688,000
अरब का टैक्स जमा हुआ है। टारगेट कितना था जनाब? 1669। ये किसने दिया? फरिश्ते तो आके नहीं देखे गए ना। 9% दिसंबर का टारगेट भी मीट हो गया। मजे की चीज ये, 2013 में हमारा टोटल टैक्स कलेक्शन कितना रेवेन्यू 2000 था, ठीक है। 2018 में 4000 हुआ, लास्ट ईयर 4900 अरब का टारगेट था जो हम अचीव कर रहे हैं। ये कौन पे कर रहा है? फरिश्ते तो नहीं आके कर रहे हैं। तो खुदारा ये कहते हैं ना, शब्बर जैदी वाज अ फेलियर। ओके, आई विल अगेन से ही वाज अ फेलियर। अब वो अपनी फेलियर के ऊपर वो डालने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। मजे की चीज ये कि पहले वो लोगों को बताया करते थे कि आप किस तरह बचा सकते हैं और तरीके बताया करते थे लोगों को। अब वो टीवी पे बैठ के बता रहे हैं कि जनाब ये लोग जो हैं, आप बड़े बदमाश कहना चाह रहे हैं कि क्लास के शरारती बच्चे को मॉनिटर बना दिया था। पहले वही बताया करते थे लोगों को। तो कहने का मकसद ये हो रहा है कि खुदारा इस तरह की बात नहीं करें। लोग टैक्स पे कर रहे हैं। 1688 अरब रुपए जो है, इट्स अ गुड कलेक्शन जो एफबीआई टारगेट भी पूरा हो रहा है आपका 99%। प्लीज सर, आपका फीडबैक। मुझे जनाब बेग साहब की बात को सेकंड करूंगा। मेरे पास पॉइंट जो नोट था अपना फिरदौस साहब को बोलने का, वो यही था कि 4900 अरब किसने टैक्स दिया? कोई फरिश्तों ने टैक्स दिया? ये हम लोगों ने टैक्स दिया ना, हमारा टारगेट पूरा हुआ। सेलिब्रेशन नहीं है, आप इनकम फाइल नहीं कर रहे, आप पापड़ भी लेते हैं। सेकंड, अब मैं बात करता हूँ टैक्स एमनेस्टी की। सर, टैक्स एमनेस्टी आपकी इतनी कमाल की टैक्स एमनेस्टी थी माशाल्लाह से, कि आपने भैंस का दूध तो सफेद कर दिया पर भैंस तो काली रह गई। कैसे? तो आपने कोई ऐसी पॉलिसी देनी है कि जिससे भैंस भी सफेद हो सके। कैसे, आप मुझे बताइए। मैं आपको वही बता रहा हूँ ना कि लेट सपोज के कोई कारोबार कर रहा है पिछले 70 साल से, ठीक है। अब उसने अपना पैसा बनाया हुआ है, ठीक है जी, उसका काला पैसा ज्यादा जमा हो गया है, डिक्लेयर्ड पैसा कम है, ठीक है। आपने वो पैसा देना है कि जो वो 70 साल का जो कारोबार था वो भी सफेद हो जाए, ताकि आने वाला पैसा भी सफेद होता जाए। ये इस तरह की एमनेस्टी नहीं थी। वो कहते नहीं सर, आपका फीडबैक दूंगा जो एमनेस्टी। ये पहले इसको बता दें कि भैंस सफेद कैसे होती है। एमनेस्टी तो बिल्कुल ठीक दी गई थी, वो उसमें कैसे हो उसमें। मैं एक छोटा सा पैरेलल बता दूं, और देखें एफबीआर को आप मुरीद इल्जाम ठहरा सकते हैं, लेकिन बिल्कुल सही कहा था कि ताली दोनों तरफ से बजती है। तो जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट एंड बिजनेस हाउसेज हैं, दे आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल। मैं एक छोटी सी मिसाल दे दूं, यू कैन ड्रॉ द पैरेलल। अभी 13.25% से इंटरेस्ट रेट कम करके 7% किया हुकूमत ने, कितना डिस्काउंट? 6.5% से। एक मिनट, अच्छा जी, उसके नतीजे में इंस्टेड ऑफ न्यू इन्वेस्टमेंट हमारे प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट ने क्या किया कि पहले इन्होंने लोन रिटायर किया, ठीक है, और 95 अरब की लेंडिंग कम भी प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, जो कि अब थोड़ी सी मॉडरेट हो गई क्योंकि आपकी हाउसिंग की वैल्यू चेन थोड़ी सी इंटैक्ट होती हुई नजर आ रही है। CRR आपके ठीक हो गए हैं, बिल्डर्स आपके इंटीग्रेट हो रहे हैं, 3 सूबों में आ रहे हैं, सिस्टम हो रहा है। तो सिंध में भी होना बाकी है, लेकिन बाकी जगहों पे पिकअप कर रहा है। लेकिन शुरू में जो 6-7 महीने थे वो स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी ने कोई खास इंड्यूस नहीं किया प्राइवेट सेक्टर अपटेक को। तो अगर ये अगर ये इतना ज्यादा फोर्थकमिंग होते ऑर्गेनाइज होने में, या तो शायद फिर इनका वो अमल ना हो। ठीक है, मैं एक थोड़ा सा वो देख लूं, कुछ ग्राफ भी बता दूं जो कि इंटरेस्ट रेट की बात की गई। अगर हम थोड़े से की ग्राफ्स की तरफ नजर डालें, हमारे नाज़रीन को दिखा सकें कि रिजर्व्स और की ग्राफ अगेन देखें, स्टेट बैंक के और बैंक्स के रिजर्व्स ग्रेजुअली इंप्रूव हो रहे हैं। दैट इज द की पॉइंट, बिकॉज जो पॉलिसी रेट को कम लाने का जो मकसद है गवर्नमेंट का, वो ये है कि एक बार स्टेबिलिटी करंट अकाउंट में आए, एक बार रिजर्व स्ट्रांग हो, ताकि कुछ गुंजाइश पैदा हो कि पॉलिसी रेट में सपोर्ट दी जाए। अगर पॉलिसी रेट का ग्राफ अगर हमें दिखा सकें तो हम देख रहे हैं कि हम ऑल टाइम लो पे ऑलमोस्ट मौजूद हैं। एंड देन अगेन यहां से इंडस्ट्रियलिस्ट का सबसे बड़ा कंसर्न यह है कि इस साल फर्स्ट हाफ में क्या ऐसा होगा कि थोड़ा सा दोबारा रिवर्सल की तरफ जा सके। अगर आपके पास प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट का ग्राफ है तो जो आखिर में जब ये एकदम से नोज डाइव कर रहा है वो देख, उससे आपको पता चल जाएगा। शेयर करूंगा प्लीज सर, मैं आपका अभी पॉइंट एक हाईलाइट कर रहे थे, प्लीज सर। मैं एक पॉइंट ये हाईलाइट कर रहा था कि ये जो 7% हमारा पॉलिसी रेट है, ये अभी भी रीजन में सबसे ज्यादा है, मतलब बांग्लादेश चाइना। आप मुझे एक जवाब, ये लोग मुझे एक जवाब दे दें, मैं एक GDP टू टैक्स रेशियो इस मुल्क का क्यों कम है? मैं इनसे एक और, व्हाई इज इट नॉट हिटिंग 15? व्हेन वी टॉक अबाउट इंटरेस्ट रेट, हम नॉर्मल इंटरेस्ट रेट की बात नहीं करते, हम रियल इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं। तो रियल इंटरेस्ट रेट तो आपका नेगेटिव में है ना, इन्फ्लेशन के मुकाबले में। लेट्स बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट इट, क्या आप रियल इंटरेस्ट रेट तो नेगेटिव में आपके? GDP इज इंक्रीजिंग एट अ हाई पेस, और जो आपका टैक्स बेस और आपकी टैक्स कलेक्शन रेट, वो आपकी सारा मसला तो सिंपल। बट एक क्वेश्चन ये भी, आप बड़े खामोश हैं, आप थोड़ा सा इस पे रोशनी डालिए।
नहीं सर, देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि जो पहले जो इंटरेस्ट रेट ज्यादा था और इस वक्त भी इंटरेस्ट रेट कम नहीं है. दो चीजें हमारी जो रीजन में सबसे हाईएस्ट जा रही हैं, एक हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस हैं, आप बांग्लादेश के ले लें, सबके ले लीजिए, वी आर द हाईएस्ट इन द रीजन. मगर उसमें एक अच्छी चीज की है हुकूमत ने कि एक्सपोर्टर्स को कुछ उसके अंदर सब्सिडाइज किया है, जो कि अच्छी चीज है. और उसकी वजह देखिए ना, एक्सपोर्ट आपकी ऐसे नहीं बढ़ेगी. इसी तरह 15-16-14% के ऊपर सवाल ही नहीं था, मगर अब जब 6-7% में आए हैं तो मेरे पास खुद कई हमारे दोस्त हैं जिन्होंने एक्सपेंशन की है. आप अपनी इंपोर्ट को निकाल के देखिए कि कितनी मशीनरी आ रही है, क्योंकि देखिए इससे अच्छा क्या हो सकता है कि अगर मुझे 4-5% के ऊपर मैं प्लांट एंड मशीनरी मंगा लेता हूं, मतलब तो वाइबल हो जाती है वो. तो चीजें अच्छी तरफ जा रही हैं और खास तौर पे ये FDR जो कर रही है. देखिए आपने एक रात को डंडा लेके नहीं बैठना, आपकी इस वक्त 20% हर सालाना आपका जो टारगेट है वो बढ़ रहा है, विच इज अ वेरी गुड. 2000 से 4000 हम 900 के पे आ गए हैं 20%, तो इसको और आप इसके अंदर बेहतरी ला सकते हैं. और मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह कि इसके अंदर देखिए टैक्स कलेक्शन क्या है. टैक्स कलेक्शन तो रेवेन्यू है, जब आप एक्टिविटी बढ़ेगी तो इसके अंदर आप ज्यादा वो करेंगे. अब एक्टिविटी के अंदर इजाफा हुआ है, पहले कम था तो अब एक्टिविटी बढ़ रही है, तो रेवेन्यू भी बढ़ पार्ट है ग्रोथ के. एक तो एक्टिविटी बेस्ड जो कि डॉक्यूमेंटेड सेक्टर है उसकी एक्टिविटी बड़ी, इंसेंटिव की वजह से टैक्स कलेक्शन बढ़ गई. दूसरा ये इनडायरेक्टली बहुत ज्यादा बढ़ गई क्योंकि जो इनफॉर्मल सेक्टर था उसको FDR के सिस्टम मिलाए, रिटेल आउटलेट्स में कुछ सिस्टम्स लगे, तो एक एग्जॉजिनस इम्पैक्ट तो आया है. बट शमीम साहब का आर्गुमेंट है कि इतनी वो एक होता है ना, हम इकोनॉमिक्स में देखते हैं पोटेंशियल GDP, पोटेंशियल पोटेंशियल बहुत है. प्लीज एज अ नेशन वी हैव टू अंडरस्टैंड, इस मुल्क का जो भी माजी में जितने भी कर्जा लिया लिया मुल्क ठीक है, उसकी डेट कितनी है? $2.4 बिलियन ट्रिलियन, 2.4 ट्रिलियन रुपीज डॉलर टर्म में, तो 2.4 ट्रिलियन ठीक है जी. आपका डिफेंस एक्सपेंडिचर जो इस मुल्क की होली का हो है आप छू नहीं सकते विद वॉट एवर इज हैपनिंग अराउंड अवर बॉर्डर, तो वो 1.6 ट्रिलियन है, कितना हो गया 4, ठीक है जी. प्रोविंशियल शेयर जो आप कलेक्ट करते हैं 4.93 का 58% लगा लें 2.8 वो हो गया, कितना हो गया जी, कितना हो गया? नहीं बचा, पैसे ही नहीं है. फेडरल गवर्नमेंट जितनी चलेगी डेफिसिट पे चलेगी, आपको मैं आपको वो चलेगी. अब इसका इस डेफिसिट को मीट करने के लिए या अपनी आमदनी बढ़ाओ या नोट छापो या बैंक से कर्जा लो, नोट छापो, तीनों ऑप्शन आर नॉट. खर्चा भी कम नहीं, मैं आपकी उस बात से एग्री करता हूँ. मैं तो कहता हूँ ना इनको देखिए, मैंने वो तीन खर्चे गिनाए जो कि फेडरल गवर्नमेंट उसके बारे में इस वक्त कुछ नहीं कर सकती, करेंटली कुछ नहीं कर सकती आफ्टर द 18th अमेंडमेंट. ये देना ही देना है वरना कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफवर्जी कर रही है, ठीक है ना. तो इससे वो कुछ कर नहीं सकती, अपने खर्चे कम कर सकती और कम करने चाहिए. सिंबॉलिकली वॉट एवर मैसेज कुड बी डन, PM ने अपने जितना स्लैश किया है, प्रेसिडेंसी का स्लैश है, देयर सिंबॉलिक थिंग, वो कोई मेन. लेकिन बड़े लाइन आइटम ऐसे हैं जो अनअवॉइडेबल. देखिए सबसे बड़ा जो फेडरल अभी तक कोई ना कोई पार्टिसिपेंट जरूर कहेगा, इस मुल्क की सबसे ज्यादा सब्सिडी क्या चल रही है? लॉस मेकिंग एंटरप्राइजेस को चलाते रहना, पाकिस्तान रेलवे, पाकिस्तान स्टील, PIA, एनी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है ये गवर्नमेंट के ऊपर जिसके अंदर पैसे डल रहे हैं उसको फौरी तौर पे प्राइवेटाइज करके वायबल कर देना चाहिए. दैट वुड सेव द ड्रेन जो कि सब्सिडी का चल रहा है, दैट वुड बी वन ऑफ द मेजर थिंग जो आना चाहिए. जवाब जरूर चाहिए कि इस मुल्क का आज भी टैक्स टू GDP रेशियो 9% कहना ही चाह रहे हैं कि हर 100 रुपए जो गवर्नमेंट कलेक्ट करती है रेवेन्यूज में 50 में से 55 जो है वो चला जाता है आपको डेट सर्विसिंग में चला जाता है. एक्चुअली फेडरल और इंटरनेशनल जो भी डेट सर्विसिंग है 100 में से 50 या 55 रुपए चले जाते हैं बजट की फिगर से. तो अगर 50 बचता ही 45 रुपीज हैं तो अब उससे करे क्या गवर्नमेंट? देखिए ये तो आपके पास एक चीज है, रिसोर्स इस मुल्क के अंदर 20 से 25 लाख एम्प्लॉयमेंट हर साल क्रिएट करनी है और वो क्रिएट करने का तरीका जो होता है वो होता है कि आपके डेवलपमेंट बजट में कितने पैसे आए, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर दोनों को जोड़ेंगे, उसको आप कन्वर्जन इन जॉब्स कैलकुलेट करते हैं. देखिए इसमें दो चीजें बाकी, उसकी तरफ मेरा ख्याल अभी तक फोरम की तवज्जो नहीं गई है. देखिए पिछले साल हमने 0.4% पे
हमारी इकोनॉमी में ग्रो किया, वजूहत सबको पता है कोविड की वजह से, उसमें वाइड सेक्टर जो कि पॉजिटिव था वो एग्रीकल्चर था, मतलब और उसमें भी कॉटन में हमें मार पड़ी, बाकी मुनासिब थे। इस साल हमने 2.1 का टारगेट रखा है और उसमें हमने एग्रीकल्चर को पॉजिटिव रखा है। अच्छा, अब आप थोड़ा सा पीछे आ जाएं एग्रीकल्चर से, फूड सिक्योरिटी पर आ जाएं। आपकी 27 मिलियन टन गंदम की रिक्वायरमेंट है। एक हम गलत फहमी भी थे कि हमारे जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं, कुशन है, वो 5 मिलियन टन है, 6 मिलियन टन है। आके देखा तो पता चला कि बहुत सारी स्मगल हो गई और बड़े उसमें सगे थे, तो वो गलत फहमी दूर हो गई कि हैव टू वर्क सीरियसली ऑन फूड सिक्योरिटी। अच्छा, उसमें यूरिया का बहुत अहम रोल है। पाकिस्तान के अपने प्रूवन रिजर्व्स गैस के 4000 MMSCFD हैं, जो कि 2028 में 2000 रह जाएंगे। अच्छा। आपकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी यूरिया की 6.6 मिलियन मेट्रिक टन है, उसमें से तकरीबन 900 मिलियन टन के मसावी कारखाने, वो 20% से भी कम गैस मिल रही है, वो नहीं चल रहे और 20% की कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रहे हैं। लाहौर वाले बंद है, उसकी वजह यह है कि RLNG वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे। अच्छा, अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप जो हम कह रहे हैं प्रोविंस ऑफ सिंध की तरफ से कि आप ठीक है, आपने सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की और उसकी वजह से आपका सर्कुलर डेट भी बढ़ा और मुश्किलात भी, आप कोल टू गैस पे जाएं, एक इन माइंस को आप फिजिबिलिटी कराएं और इसको एक्सप्लोर करें, क्योंकि जो अभी हमारे पास रफ फिगर्स मौजूद हैं कि उसमें तकरीबन $11 लगते हैं एक मिलियन मेट्रिक BTU के, अगर आप इसको LNG से करें और अगर आप इंडिजिनस कोल थर कोल पे करें तो ये कॉस्ट आपकी $2 to $2.5 में आप इतनी तवानाई हासिल कर सकते हैं। अच्छा, ये हो सकता है, ये बहरहाल ये इसकी फिजिबिलिटी होनी चाहिए और ये पूरे इसका कॉन्टेक्स्ट देखें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे नंबर एक तो आपकी वेट सिक्योरिटी, आपकी फूड सिक्योरिटी। नंबर दो, अगर ये टेक्निकली और फाइनेंशियली फीजेबल है तो आप इसको एक्सप्लोर करें कि ये गैस सुई गैस के ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में डालें और आप आहिस्ता आहिस्ता अपने पावर प्लांट्स को स्विच करने की कोशिश करें ताकि आप सर्कुलर डेट का को डैमेज करें। कमिंग टू द कंक्लूजन, आपके फाइनल रिमार्क्स सर, प्लीज। दो चीजें बड़ी अच्छी कही कि इस वक्त अगर हम किसी चीज में अपने खर्चे कम सकते हैं, जैसे मैंने कहा था कि जी रेवेन्यू तो खर्चे कम करने, सबसे जी 500 बिलियन रुपीज इस वक्त हम लॉस मेकिंग जो वेंचर्स हैं उस पर खर्च कर रहे हैं। अच्छा, अब क्या है, बड़ा अच्छा मूव है ये आपने जो स्टील मिल का लिया है, या ये पे भी एक चीज हो रही है। अगर इस पर हम और फोकस करें, लोगों को घर पे बिठा के सैलरी देना मेरे ख्याल से ये तो हल नहीं है। दूसरी, डेट सर्विसिंग हमने कम करनी है। इस बार देखिए हमारे हालात जो सही हुए हैं उसकी एक बाकर बहुत अच्छी वजह क्या है कि डेफर्ड हो गए हमारे लोन जो थे, कोई 5 से 6 बिलियन जो हमें पे करना था वो रीशेड्यूल हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया, फूड सिक्योरिटी, डेट सर्विसिंग का बर्डन कम करना। सर, आपके फाइनल टेक सर। मैं कहना चाहूंगा कि हमें अगर ये हमारी पुरानी इंडस्ट्री नहीं चल पा रही है तो नई इंडस्ट्री भी तो ग्रो कर रही है। अब हमारे पूरे साल के अंदर कोई 200+ बिलियन डॉलर की मोबाइल इंपोर्ट्स हैं। पाकिस्तान मतलब कोई हुकूमत कोई इस तरह से कोई मेगा प्रोजेक्ट लगा सकता है कि जिसकी वजह से हमारी इंपोर्ट भी कम हो जाए और यहाँ पे चले प्राइवेट के साथ मतलब पब्लिक प्राइवेट कोई इंटरप्राइज बना दें, कोई इस तरह से बना बनू के कोई नए प्रोजेक्ट लेकर आए जिससे हुकूमत भी हुकूमत जो है ना वो प्रॉफिटेबल हो जाए। ठीक है, आपके साथ फाइनल कंक्लूडिंग। मैं ये समझता हूँ कि देखिए सबसे पहली चीज जो है आज हम सब इस बात पे सेटिस्फाइड है कि ये एक वाहिद गवर्नमेंट है जो कि डिक्लेयर कह रही है कि वी विल प्रमोट वेल्थ क्रिएशन। आज से पहले पाकिस्तान की 70 साल तारीख में किसी प्राइम मिनिस्टर ने इतनी फ्रीक्वेंटली ये वाली बात नहीं की। तो इससे जितने हमारे वो तबका जो मरात याफ्ता तबका कहलाता है जितनी कंफर्ट वो ड्राइव कर सकता है। दूसरी चीज है, प्राइम मिनिस्टर हाउस इज नाउ ओपन वंस अ मंथ, बिजनेस डेलीगेट्स एंड सारे एक्टिविटी वो एक्टिविटी उनकी एक्सेस टू द टॉप मैन इज फार ग्रेटर देन एवर बिफोर। सही, आई थिंक। और इस पे कोई इनमें से नहीं कहेगा कि इन 2 साल में जितनी दफा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान तमाम एसोसिएशन के इस इंडस्ट्री के लीडर से मुलाकात की है, माजी में किसी वजीर आजम ने इतनी मुलाकातें नहीं की हैं। मैं समझता हूं जो इस वक्त इकोनॉमिक टीम है
वो इससे बेहतर इकोनॉमिक टीम जमा नहीं की जा सकती और उसके अंदर कोई पार्टी लाइंस के ओपन नहीं हुआ जो आपके इवन आप देखे डॉक्टर वकार जो हैं वो कितनी गवर्नमेंट्स के साथ एसोसिएट रहे हैं उनका वो तो बेस्ट पॉसिबल टीम जो है उसको लाया गया। आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया ऑन दैट नोट प्लीज प्लीज जल्दी आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। मैं बिल्कुल कंक्लूडिंग देखें अभी तक हम जो भी डेवलपमेंट प्लानिंग कर रहे हैं वो टॉप डाउन है और वो डिस्क्रीट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं। ये अगर आपने एज एनेबलर कर भी लिए जो कि गवर्नमेंट का बुनियादी रोल है सॉफ्ट साइड ऑफ इकोनॉमिक्स बॉटम अप होगी वो जब तक आप ट्रेड कॉमर्स ग्रोअर बॉडी से नहीं मिलेंगे सूबों में डिस्ट्रिक्ट में नहीं जाएंगे ऊपर जाएं, से नहीं जाने की कोशिश आप रेगुलेशन आप उनको जो एनेबलिंग लीगल नहीं करते। आई गॉट योर पॉइंट ऑन दैट जी सर प्लीज जल्दी आई एम जस्ट हम बड़े खुश हो रहे हैं इस बार कॉटन की क्रॉप जो है 10 बिलियन थी वो 8 पे आई है जनाब। ऑन दैट नोट बहुत बहुत शुक्रिया इश्तियाक साहब पुराना साहब इट्स वंडरफुल टॉकिंग टू यू Firdaus saab, it's always wonderful talking to you, Adil saab. It was a wonderful discussion. Nazreen, you have to be very careful here because do teen stats jo identify kiye, food security is a big issue and then gas availability is another issue. Lekin government ne ye tamam tar cheezon ko maddenazar rakh ke gradually is economy ko decline se utha ke ab recovery ke phase pe dal diya hai. अब ये कितनी आगे बढ़ती है द पॉलिसी कंसिस्टेंसी हैज टू बी देयर। ऑन दैट नोट मैं हूं आपका मेजबान बाकर अब्बास जाफरी प्रोग्राम इकोनॉमी फोकस से जल्द दीजिए अल्लाह हाफिज़।